दोस्तों तेजस मार्क टू परियोजना को लेकर जो सबसे बड़ी विडंबना अभी तक बनी हुई थी वो अब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। यानी भारत के लिए अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम इस फाइटर जेट के लिए भारत के द्वारा ही निर्मित इंजन कहां से लाएंगे। तो इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ में डील कर ली है और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक की कंपनी है उसका GEF-414 इंजन इस फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा और इस इंजन को भारत के साथ में मिलकर डेवलप किया जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को प्रोवाइड करेगा अमेरिका। यानी कि अभी तक जो इंजन को लेकर अड़चने आ रही थी उन्हें पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया गया है। अब भारत की प्लानिंग यही है कि तेजस मार्क 2 को जल्दी से डेवलप किया जाए, बाद में टेस्ट फ्लाइट वगैरह कंडक्ट कराकर इसको मास प्रोडक्शन में उतार दिया जाए, जिससे हमारी भारतीय वायुसेना बहुत ही दृढ़ व मजबूत वायुसेना बन जाएगी। तेजस मार्क 2 के जरिए ही कई पुराने फाइटर जेट को रिप्लेस करने की प्लानिंग भारत के द्वारा की गई है। तेजस मार्क 2 बहुत ही ज्यादा एडवांस कैटेगरी का फाइटर जेट होने वाला है। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा और इसमें कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जो कि हम लोग एमका में डालने वाले हैं, वही टेक्नोलॉजी इसमें भी इंजेक्ट की जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये फाइटर जेट कितना ज्यादा ताकतवर होने वाला है। वहीं इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर ही बनाकर तैयार किया जा रहा है। सिर्फ इजेक्शन सीट को ही छोड़ दें तो बाकी पूरा का पूरा जो कंपोनेंट इसमें लगेंगे वो भारतीय ही लगेंगे, क्योंकि इंजन भी अब भारतीय हो जाएगा। जिसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिल गई है तो अब भारत का ही इंजन हो गया है। तो ये फाइटर जेट आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद साबित होने वाला है और जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इसको परचेस करने के लिए विदेशी कस्टमर भी लाइन में लगे हुए हैं। अभी थोड़े समय पहले ही ये खबर निकल कर आई थी कि दुनिया के कुल 16 देशों ने इसको लेकर इंक्वायरी की है, यानी कि 16 देश इसको मॉनिटर कर रहे हैं परचेस करने के लिए। अब इसको लेकर ADA ने ऐसी तैयारियां शुरू कर दी हैं जिसके बारे में हम सभी पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। वहीं अमेरिका का एक फाइटर जेट है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं F-16 को लेकर। इसको अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट करना चाहता था। जब अभिनंदन सर ने अपने MiG-21 से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया तभी से अमेरिका भारत के पीछे पड़ा है कि वह अमेरिका का F-16 फाइटर जेट परचेस कर ले। अमेरिका ने भारत से ये भी बोला कि हमने F-16 में काफी सारे एडवांसमेंट भी किए हैं और आप अपने MRFA टेंडर के तहत इस फाइटर जेट को परचेस कर लीजिए। इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अल्टीमेटली देख सकते हैं कि अमेरिका ने भारत को कितना ज्यादा प्रेशराइज्ड किया कि भारत F-16 फाइटर जेट को परचेस कर ले। लेकिन भारत ने इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं शो किया, क्योंकि F-16 का जो अल्टरनेटिव है तेजस मार्क 2 वो भारतीय वायुसेना में जल्द ही शामिल होने वाला है। तेजस मार्क 2 सिंगल इंजन फाइटर जेट के क्षेत्र में सबसे अग्रणी फाइटर जेट होगा। ये हमारे लिए वैसा ही होगा जैसा कि अभी राफेल है, बस राफेल डबल इंजन का है, ये सिंगल इंजन का होगा। ADA इसको लेकर कई अन्य चीजों पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। ADA इसको लेकर भारत के साथ साथ अन्य कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिसके लिए एक अलग से ट्रेनर वेरिएंट भी चाहिए होगा। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि ADA तेजस मार्क 2 के ट्रेनर वेरिएंट को भी बनाकर तैयार करने में लगा हुआ है और जब इसके 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे तो उनमें से एक ट्रेनर वेरिएंट भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो इसके मास प्रोडक्शन में जाने से पहले ही इसके ट्रेनर वेरिएंट को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। ट्रेनर वेरिएंट की जरूरत तभी पड़ती है जब आप अपने फाइटर जेट को किसी अन्य कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब अन्य कोई आपसे आपका फाइटर जेट परचेस करेगा तो उसके लिए उसे अपने क्योंकि जब अन्य कंट्री आपसे आपका फाइटर जेट परचेस करेगा तो वह अपने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर वेरिएंट को भी परचेस करेगा। इसीलिए ट्रेनर वेरिएंट का बनकर तैयार होना बहुत जरूरी होता है एक्सपोर्ट के मामले में। आपको बता दें कि जब तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो MiG-21 का रिप्लेसमेंट इसी से किया जाएगा और Mirage 2000 का भी रिप्लेसमेंट इसी से ही किया जाएगा। MiG-21, Mirage 2000, F-16 सभी पुराने फाइटर जेट हो चुकी हैं। दुनिया के सभी देश जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनको अब रिप्लेसमेंट करने के लिए मूड बना चुके हैं और भारत इनकी जगह अपना तेजस मार्क 2 को भी ऑफर करेगा ही करेगा। यही कारण है कि अब इसके ट्रेनर वेरिएंट को भी बनाया जाएगा, जिसके लिए ADA ने ऐलान कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का ADA और DRDO मिलकर कितनी तेजी से इन सब प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इनकी कड़ी मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।